अब कमाने के लिए मैं ये चीज यूनिवर्स को भी नहीं बताऊंगा तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि मैं 5 लाख कमाने वाला हूं, या मुझे इतने रुपयों की जरूरत है, या मुझे ये चीज अपने लाइफ में अचीव करनी है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि मैनिफेस्टेशन को करना कितना आसान है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, मैनिफेस्ट को करना उतना ही आसान है जितना फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करना। जी देखिए, ये चीज तब वर्क करती है जैसे मान लीजिए आप धन को अपने लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप अपने प्यार को आकर्षित करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप अपनी सेहत आकर्षित करना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है आकर्षित करना, इन द सेंस कि मैं बस आकर्षित कर रहा हूँ, मुझे वो चीज चाहिए। सोच के देखिए, जब आप बच्चे थे आप सोचते थे कि यार मुझे ये टॉय पसंद आ रहा है, तो अब आप सोच के देखिए जब आपको कोई टॉय बचपन में पसंद आया था, कोई खिलौना पसंद आया था, तो उस कंडीशन पे आपकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना, और एट दी एंड कहीं ना कहीं से चाहे वो फादर मदर जो भी अरेंज करे, आपकी बुआ मामा कोई भी हो सकता है, किसी भी वे में आपने उसे अट्रैक्ट किया था, और इसी चीज को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जिस भी चीज को आप आकर्षित करने वाले हैं उसके लिए आपके मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिस स्टेप्स को आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो विद इन फ्यू डेज आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहली चीज जो आती है हमारे साथ में वो होती है भरोसा। उस चीज पे हमें भरोसा होना चाहिए, हमारा डेडिकेशन या हमारा एम जो है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही चीज लेना है या यही मेरा गोल है, यू नो। सो जब आप इस चीज को परफेक्टली कर लेते हैं, अपने मन में बना लेते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसके बाद सेकंड चीज आती है मांगना। मांगना इन द सेंस, जब तक आप उस चीज को मांगेंगे नहीं तो यूनिवर्स आपको देगा कैसे। ठीक है, पॉइंट वाली बात है, आपको मांगना आना चाहिए। जब आपको कुछ चाहिए आपको मांगना ही नहीं आता तो आपको यूनिवर्स देगा कैसे। ठीक है, आप मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि मुझे 5 लाख रुपए महीना कमाना है। ठीक है, अब कमाने के लिए मैं ये चीज यूनिवर्स को भी नहीं बताऊंगा तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि मैं 5 लाख कमाने वाला हूँ, या मुझे इतने रुपयों की जरूरत है, या मुझे ये चीज अपने लाइफ में अचीव करनी है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले ये मानना होगा कि आपको ये चीज चाहिए तो यही चाहिए। ठीक है, अब यूनिवर्स से मांगने का तरीका क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम यूनिवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है और सारी वो जो चीज आती है मुझसे काफी लोग पूछते हैं भी कि हम कैसे इस चीज को कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आप यूनिवर्स एक शब्द है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जब आप किसी एक चीज पे बिलीव करते हैं या अपना भरोसा दिखाते हैं तो आपके लिए वही सफिशियंट हो सकता है। तो आई मस्ट से कि आप किसी भी एनर्जी, लाइक महादेव को आप मान सकते हैं, या अपने किसी भगवान को, या किसी भी जिस चीज को आप सबसे ज्यादा मानते हैं उसी चीज को आप यूनिवर्स समझ लीजिए। यू मान लीजिए कि आप उन्हीं से मांग रहे हैं। ठीक है, पहली चीज ये भाई कि आपको मांगना है और क्लेरिफाई करना है यूनिवर्स को कि आप यूनिवर्स किसे मान रहे हैं इस कंडीशन में। कुछ लोग सिर्फ यूनिवर्स के बिलीव पे करते हैं और कुछ लोग इसे अपने अपने भगवान के साथ, अपने अपने जो भी होता है अपने धर्म के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। तो ये चीजें जब वर्क करने लगती हैं तब रिजल्ट सामने ऑटोमेटिकली आने लगता है। और कई लोग मुझसे कहते हैं कि यार सर हमने किया बट हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि इस प्रोसेस में आपने जब मांगा था, लाइक जब आपकी डिजायर थी आप अचीव करने वाले थे, तो उस कंडीशन पे आपने किससे मांगा। तो उन्होंने कहा हमने कभी यूनिवर्स से बोला, फिर हमने हमारे भगवान से बोला, फिर हमने मतलब ऐसे करते करते वो डे बाय डे चेंज करते गए। तो एक बात सोच के देखिए, मैं जब अलग अलग जगह पर भरोसा रखूंगा सिर्फ एक चीज के लिए तो क्या वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। सो इसका सॉल्यूशन यही है जैसे मैंने आपको बताया कि आप भगवान को मान सकते हैं, किसी भी पार्टिकुलर गॉड जो भी हैं, उसके अलावा आप केवल यूनिवर्स को भी मान सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जब आप किसी एक चीज के प्रति बिलीव करते हैं, या मान लीजिए कि आप मुझ पर बिलीव करते हैं, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाऊंगा, A to Z मैं आपका कवर कर दूंगा, बट अगर आप मेरी वीडियो देखें तो
अब मान लीजिए आप मेरी वीडियो ना देख करके दूसरों की वीडियो देख रहे हो, फिर तीसरे का देख रहे हो, फिर चौथे का देख रहे हो, तो क्या होता है ना कि चीज वही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका सभी के पास अलग अलग होता है। तो वही चीज होती है, आप मुझसे, आप मान लीजिए आपका कोई डाउट है, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, दैट विल वर्क। आपने किसी और से पूछा, उसने आपको सॉल्यूशन दिया, वो भी वर्क करेगा। तीसरे ने पूछा वो भी वर्क करेगा, लेकिन आपके मन में कितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो गाइस, इस कंफ्यूजन को आपको बिल्कुल नेगलेक्ट करना है और सिर्फ एक चीज पर आपको बिलीव करना है। मैं यहाँ किसी यूट्यूबर या किसी भी अदर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो फेथ है सिर्फ एक पे होना चाहिए, या तो आप यूनिवर्स पे कर लीजिए या अपने भगवान पे कर लीजिए। क्योंकि जब तक भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है, वो सोचते हैं कि यार मैं कर तो बहुत सकता हूँ, मैं महीने का 10 लाख 20 लाख कमा सकता हूँ, बट मैं चाहता नहीं। आप खुद सोच के देखिए, जब आप खुद ही मना कर रहे हैं तो क्यों वो चीज अचीव हो पाएगी। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं इसका पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, आप प्लीज कनेक्टेड रहिएगा मेरी वीडियोस के साथ। आपका प्यार सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।